हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ ओझा और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हों तो निश्चित है कि उनमें से कुछ पर जीवन तो होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पंछी जैसे प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ जीव हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को हम एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ होता है दूसरे ग्रह के निवासी यानी कि परग्रही। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के रिसर्च के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों को खोजना। वर्षों के वैज्ञानिक सोच से यह पता चला कि 10,000 साल पहले धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर दी। धरती के देवता यानी कि कहें कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट यानी मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल और अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वन डेनिकन की किताब चैरिट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासी के पास गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो कोई औजार था, ना ही उन्हें बनाने का कोई ज्ञान था। इस तरह यह अवश्य ही हो सकता है कि उस पिरामिड को किसी एलियन सभ्यता ने ही बनाया है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे ही मंदिर कई पाए गए हैं भारत में, जिन्हें आज के आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरियन एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे के पत्थरों पर पिक्चर के जरिए इस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी मिली है वह एक ही जैसा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश दिखाने वाले लोग ओरियन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरियन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने का बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई देखी जा सकती है। साथ ही इस तस्तरी में निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए यह चित्र या पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर एलियंस आए थे। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस जो थे वो छुपकर रहते थे धरती पर। उन जगहों में से एक था हिमालय, दूसरा था समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहाँ मनुष्य कभी नहीं जाते थे। अंत में चौथी जगह वही है जो हमारा है, यानी कि हम मनुष्यों के बीच में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्यों से कई आगे हैं, या फिर वो बहुत ही कमजोर हैं और वे हमारी गतिविधियों पर नजर भी रख रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर ने, डेली टेलीग्राफ ने, वैज्ञानिक सुश्री सारा सी गेट के हवाले से कहा गया कि हो सकता है कि कोई हमारे हर पल पल पर नजर रखा हुआ है। पृथ्वी की हर एक गतिविधियों पर दिन या रात हो, हर चीजों पर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं में कई टेक्स्टों में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाशदेव और फिर से वे धरती को एक नई राह दिखाएंगे।
इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि उनके भगवान यानी कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक समय में फिर से वापस आएंगे। यह सही बात है कि आज की आधुनिक विज्ञान इन बातों पर यकीन नहीं करता है और ना ही इन्हें एलियंस का दर्जा देता है, लेकिन बाइबल्स में इन्हें नेफिलिम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे, ये स्वर्गदूत के बच्चे थे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, ना कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वो इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपने मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे, फिर उनके बच्चे भी हुए। धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। समान मानव उन्हें या तो देवदूत कहता था या फिर राक्षस। इस तरह धरती पर एक नया तरह का युग शुरू हुआ था। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, सुमेरु और माया सभ्यता के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव आधे जानवर। इंसानी रूप में वो काफी लंबे और पतले हुआ करते थे और काफी अजीब भी होते थे। दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद ही चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यह काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी कर रहे हों। ऐसे में वे अपनी किसी भी ज्ञान को धरती पर कभी भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हम भी तो दूसरे ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं ना, हम भी तो एलियंस को खोज रहे हैं, हम भी तो चांद पर, मंगल पर, शनि पर अपने यान भेज चुके हैं और यहाँ तक हमने चंद्रमा पर अपने कदम भी रख दिए। तो इस बात से हमें अवगत रहना चाहिए कि किसी भी ग्रह के लोग हमारे इस ग्रह पर आ सकते हैं, और इस बात पर हमें यकीन भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे ग्रह पर भी कोई आ सकता है। तो क्या यह हो सकता है कि एलियन हम पे अपनी नज़र रखे हुए हैं, या फिर एरिक वन की जो बुक है उसके मुताबिक हम जिसे अपना देवदूत कहते हैं, क्या वो एक एशियंट एलियन थे? और भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो, और कुछ रिसर्च और जानकारियां बटोर के लाऊंगा ताकि आपको और भी जानकारियां इससे रिलेटेड मिल सकें। तब तक आप अपनी राय और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।